हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं हर्षत्री व्लॉग्स। और आज के व्लॉग की शुरुआत करें हम ऐसी प्यारी सी लोकेशन से। लोकेशन आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, लेकिन आज के व्लॉग हम ऐसा बना रहे हैं कि मोटर व्लॉग के सेटअप में न्यू में आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम किसी ओनरशिप रिव्यू करेंगे अपने बाइक की स्कूटी का, जिसको मैं काफ़ी देर से चला रहा हूँ, स्ट्रॉम एप्रिलिया की। आपको वो चीज़ भी मैं दिखाता हूँ, इससे पहले वो सनसेट का व्यू चेक करो गाइस, कितना प्यारा आ रहा है। तो भाई लोकेशन चेक करो, आज हम मोटर व्लॉग के सेटअप में नहीं थे, नहीं तो आपको पूरा रास्ता दिखाते यहाँ तक आने का, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। और वहाँ पे लगी है हमारी स्कूटी जिसका हमने रिव्यू करना, काफ़ी प्यारी स्कूटी है। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं दीप भाई। दीप भाई हाय करो यार सबको। तो दीप भाई हमें अच्छे से रिव्यू देंगे अपने स्कूटी का, जो भी सारे क्वेरीज होंगी सारे दीप भाई दूर करेंगे। और हम इसी प्यारी से लोकेशन के साथ अब हम ना ब्लॉग शुरू करते हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए तो एक ब्लॉग शूट कर देते हैं। आ जाओ दीप भाई। तो भाई ये है हमारी स्कूटी, बाकी मिट्टी विट्टी इग्नोर करो यार, हमारा भाई ऑफ रोडर है क्योंकि उसने स्कूटी ऐसी ली है जो कि ऑफ रोडिंग के लिए ली है। और भाई ने इतने ज़्यादा खतरनाक वाले स्टंट मारे हुए इस पर, ये देखो ये आपको दिख रहे होंगे, ये भाई ने क्रैक क्रूक मार दिए अच्छे से स्कूटी पे। तो काफ़ी अच्छे से रिव्यू मिलने वाला हमें स्कूटी का कि क्या एक्सपीरियंस है, कैसी है, कैसी दिखती है या क्या इसका सीन है जो भी। तो भाई इसी के साथ हमारे दीप भाई यहाँ पर वापस आ गए हैं स्नैपे बेच बूझ के। तो अब बताओ सर, हमने हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि आपने ये स्कूटी क्यों ली? सबसे पहली अगर मैं बात करूँ भाई इसकी, तो सबसे पहले ये जो इंडिया में किसी भी स्कूटर में अभी तक अवेलेबल नहीं है, 3 वाल्व टेक्नोलॉजी इसमें फर्स्ट टाइम इसी में आई थी। और दूसरे नंबर पे भाई अगर आप व्हील बेस पे ध्यान दो तो फ्रंट के टायर पे भाई, कितने सेक्शन का टायर है भाई ये? भाई ये 120/80/12 सेगमेंट का टायर है। इतना तो मतलब ड्यूक का भी इससे थोड़ा सा पतला टायर है फ्रंट वाला। हाँ, और मतलब किसी बाइक में 110 आता है, किसी में 100 आता है, बट 120 किसी स्कूटर में भाई सबसे बड़ी बात है कि इतना आ गया है। और तीसरा जो मेन रीज़न है ऐसे लेने का भाई, इसकी अग्रेसिव सी लुक, मतलब किसी भी स्कूटर में इतना स्लिम और इतनी अग्रेसिव लुक नहीं मिलती जितनी इनमें ये दे रहे हैं। बाकी थोड़ा इग्नोर कर सकते हो इस टाइम। तो भाई आपने ये स्कूटी कितनी चला ली, आपका कितना एक्सपीरियंस है और कितने साल का ये आप ओनरशिप रिव्यू दे रहे हो इसका, कितना साल का या कितने महीनों का? इसे लिए हुए मेरे को कम से कम भी 1.5 साल हो चुका है। अच्छा। कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके और कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो मैं आगे आपको अच्छे से बताता हूँ। बात में करूँ इसके एडवांटेजेस की, तो जैसा कि मैंने टायर्स की बात की और सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ भाई, आसानी से ये कहीं पे रुकती नहीं है, ऑफ रोडिंग बढ़िया होती है इस पर, ऑफ रोडिंग बढ़िया कर सकते हो इस पर आप। दूसरे नंबर पर इसकी एडवांटेज मुझे ये लगती है, इसमें जो मतलब जितनी पावर है ना इतनी किसी स्कूटर में आती नहीं है अभी तक। और दूसरे नंबर पे एडवांटेजेस के मामले में अगर मैं एक चीज देखूं तो भाई इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो भी मेरे को थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती हैं। बेशक ये सिटी राइड के लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं इन लाइट्स के साथ, बट आप इसमें थोड़े बहुत मॉड करके इनको ज्यादा अच्छी कर सकते हो, जैसा कि नॉर्मल आप किसी स्कूटर में बिना निकाले कर नहीं सकते भाई, आप कंपनी से ही इनसे और मंगवा सकते हो इससे भी अच्छी वाली। अच्छा, विजिबिलिटी मतलब अच्छी है इसकी? विजिबिलिटी बहुत प्यारी है। साथ में अगर मैं इसकी नॉर्मल बात करूँ तो भाई ये जो चीज़ है आप देख सकते हो मैंने क्या हालत बना रखी है, मैंने कभी इसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया और अभी तक ये सेट कंडीशन में है। मतलब बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई नेक्स्ट लेवल है इसकी। हाँ, काफ़ी दिख रही है भाई, स्टंट मारे हुए आपने। चलो वो तो मैं बताता हूँ, मतलब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो आप इस पर जा सकते हो। ठीक, तो हमें इसी के साथ बताओ आप इसकी डिसएडवांटेज बताओ, कोई हर एक ना एक गाड़ी की डिसएडवांटेज भी होती है। की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे मैंने एडवांटेज में बोला कि लाइट अच्छी है अगर आप चेंज करते हो, अब जैसे लाइट्स की बात मैं करता हूँ, मैंने भाई मैंने अभी चेंज कर रखी है तो वो ज़्यादा अच्छी है, बट जो स्टॉक में कंपनी हमें दे रही है वो है थोड़ी सी हाईवे के लिए, ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा मैं क्योंकि वो थोड़ी सी कम है। जब आपको आगे से किसी भी गाड़ी अगर फ्लैश लाइट बजती है विजिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब आगे की फ्रंट लाइट आती है किसी भी गाड़ी की फ्लैश लाइट है। हाँ, गाड़ी की मतलब हेडलाइट अगर आगे से बजती है तो आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ही लो हो जाती है, ये नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल लो में चली जाती है। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज जो मेरे को इसका लगता है वो है स्पेस की कमी भाई, मतलब आप एक हेलमेट ना तो वो आगे आ सकती है, प्रैक्टिकल स्पेस की कमी थोड़ी यहाँ पे बूट स्पेस में आ सकती है इसके। अच्छा, फुल फेस नहीं आ सकती? फुल फेस हेलमेट नहीं आ सकती, आप सिर्फ हाफ फेस हेलमेट इसके साथ कैरी कर सकते हो, नहीं तो आपको कैरी करके कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां आप अपनी हेलमेट वगैरह जो सामान आपने लिया है वो आप ले सको। बस तो एक बार दिखा दो हमें इसकी बूट स्पेस कितनी ज़्यादा है, कितनी है नहीं है, हमें भी पता चल जाए कितनी प्रैक्टिकल है कि नहीं है।
ये देखिए तो ये भाई इतना है हमारी पानी वाली बोतल पड़ी है भाई इसमें, अभी हम पानी पियेंगे व्लॉग खत्म करने के बाद। सबसे जरूरी चीज जो मैं बताना आपको भूल गया, हाँ जी ये देख रहे हैं आप, इसका टैंक सबसे ज्यादा में आता है इंडिया में, उधर जितने भी स्कूटर अवेलेबल है 6.5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक आ जाता है आपका। और मतलब ये है कि अगर आप इसको कहीं लॉन्ग टूरिंग के लिए लेके जा रहे हो तो ये आसानी से निकाल सकती है। और मुझे सबसे बड़ा इसका बिगेस्ट जो राइवल है एंटॉर्क, उसके कंपैरिजन में बताओ कि ये लेनी चाहिए कि वो लेनी चाहिए। उसके कंपैरिजन में देखिए वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के राइडर हैं। अगर आपको ज्यादा स्पीड चाहिए जो एकदम से इनिशियल पिकअप पकड़े तो मैं यही बोलूंगा कि आप एंटॉर्क की साइड जाइए। बट अगर आपको ऐसी गाड़ियां पसंद है जो शुरू में थोड़ा इनिशियल कम दे बट जिनकी मिड और टॉप एंड ज्यादा हो, उसके लिए भाई मैं ये प्रेफर करूंगा क्योंकि ये 110 तक आराम से जा सकती है। और लुक्स भी इसकी अलग है और थोड़ी यूनिक है। हाँ, और दूसरे नंबर पे एंटॉर्क का जो है उसकी एक मेजर ड्रॉबैक मेरे को ये लगती है, उस पर आप स्टंट्स वगैरह कर सकते हो। बट अगर मैं उसकी एक बात करूँ कि उसको आपको ऑफ रोडिंग या तो किसी कच्चे रास्ते पे चलाना है तो उसके लिए मैं वो प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसमें थोड़ी बहुत वो मेजर ड्रॉबैक आ जाता है, लोग यूज करते हैं बट। तो भाई इसी के साथ में सब कुछ हमें बता तो दिया, लेकिन हम इसकी ब्रेकिंग का पता करना चाहते हैं, ब्रेकिंग कैसी है इसकी, ब्रेकिंग फीडबैक कैसा है। सर ब्रेकिंग मेरे को बड़ी प्यारी लगती है इसकी, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी पूरी ब्रेक्स मैंने एक्चुअली खत्म कर दी हुई है एक टाइप से, बट उसके बाद भी अभी ये बहुत प्यारी लगती है। अगर मैं फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ पे आप ये डिस्क देख सकते हैं, एक्चुअली ये CBS मॉडल है तो इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, बट ABS की मुझे ज्यादा कभी जरूरत नहीं पड़ी। इसकी इतनी प्यारी ब्रेकिंग है, जहाँ पे अप्लाई करोगे बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ज्यादा जोर से आपको पता है फिर एक्सीडेंट। तो अब भाई हमें बताएं आप इसका माइलेज वगैरह और प्राइसिंग की। देखिए अर्श भाई अगर मैं सही बताऊं ना, शुरू में मुझे लगता था इसका बहुत कम है क्योंकि 23-25 ऐसे दे रही थी, बट उसके बाद जैसे जैसे मैंने इसकी सर्विसेज कर हुई है उसके बाद जैसे जैसे मैं इसको यूज में ला रहा हूँ अप्रोक्स 30+ ये माइलेज दे रही है मुझे। और सिटी में अगर ये 30+ दे रही है तो हाईवे में अप्रोक्स ये लगा लो, जब हम जम्मू जाते हैं हमें कितने ही, आपको खुद पता है कितने। हाँ, मैंने भी राइड किया काफी ज्यादा। अप्रोक्स 40+ हमें ये हाईवे पे दे रही है काफी अच्छे चलाने के आसपास का, 30 से लेके 40 के बीच आप सिटी में इसका मान सकते हो। माइलेज अच्छी है इसकी, मैंने भी चलाई है, काफी चलाई है, अच्छी है। और एक्स्ट्रा फ्यूल का जो है इसमें वो भी बहुत काम आता है लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर। तो भाई अब हमें बताएं इसका एंड में आप बता सकते हैं हमें इसकी प्राइसिंग क्या क्या सीन है और बाकियों से ये कैसे कम्पीट करती है। इसकी प्राइसिंग की बात अगर मैं करूँ, ये 2022 वाला मॉडल है, ये अप्रॉक्स मुझे 130 के आसपास का पड़ा था ऑन रोड। अच्छा, शोरूम पे था ये तब 13 का, अभी मेरे ख्याल से इस टाइम जो 2023 मॉडल है 115 तक आप एक्स शोरूम लगा सकते हो, 145 तक आपको मतलब ये ऑन रोड पड़ सकता है इस टाइम। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हम अपना स्कूटी का रिव्यू ख़त्म करना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि हमारा ओनरशिप रिव्यू वाली वीडियो और आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, और भी काफ़ी सारी बाइक्स हैं हमारे पास, हम हर किसी का ओनरशिप रिव्यू ले सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें किसका रिव्यू करना चाहिए। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ भी अच्छी लगती है तो हम ऐसी वीडियो भी बनाने की ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हो गया शाम काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पर स्कूटी का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था तो वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी। अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी हाइट पर आए हैं और यहाँ पर हम अपने ब्लॉग ख़त्म करने वाले हैं, तो अभी हम दी भाई को बोलेंगे बाय बाय करें, हमारे व्लॉग खत्म करें। पहले मैं एक चीज बोलूंगा, हाँ। भाई हमने आज की वीडियो अनएक्सपेक्टेड बना ली। हाँ, और मैं सोया था कि RC का रिव्यू डालने वाले हैं, बट इन्होंने मेरे को कहा पहले उसका डालना है। हाँ, और इसने मेरे को बताया भी नहीं है कि रिव्यू किसका करना, मेरे घर के बाहर आके बोल रहा बाइक क्यों नहीं लाई, ये लेजेंड है हमारे भाई। भाई मैं अनएक्सपेक्टेड बनाता हूं, तो बस वही बात है, बनती है ये भी अनएक्सपेक्टेड ही बन गया। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग खत्म करें, काफी बड़ा व्लॉग हो गया, तो आप हमें बताएं कि कैसी वीडियो थी ये, कैसा था जो भी था, तो सारा कुछ बताएं, फिर उसी हिसाब से हम आगे वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे। बट भाई अब जो बंदे नए हैं ना चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और हाँ लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, सपोर्ट कर लो यार मेरे भाई को। बाय।